हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है गुड्डू सर की क्लास में। और आपको बता दें कि मैथमेटिक्स का जो हम सीरीज चला रहे हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो पहले फार्मूला हम लोग पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उस फार्मूला को हम लोग कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। पार्ट टू में हम लोगों ने देखा, अब पार्ट थर्ड में आपको बता दें एक मैथड है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मैथड। सब्स्टिट्यूशन मैथड का मतलब होता है प्रतिस्थापन विधि। आपको बता दें कि सब्स्टिट्यूशन मैथड, ठीक है, यानी कि प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं इस पे किस तरह से क्वेश्चन डील करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है वो किस तरह से हम लोग सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो मान के चलिए कि अगर हम लोग बात करें फ्रॉम टू, समीकरण दो से, है ना, अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर है, यानी एक्स इक्वल टू क्या होगा, फोर प्लस वाई। ये आपका इक्वेशन नंबर थ्री। इक्वेशन नंबर थ्री को अगर हम टू से निकाल रहे हैं तो थ्री इसका नाम दिए हैं, तो उसको हम लोग वन में रखेंगे, अगर वन से निकालेंगे तो टू में रखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले थ्री पुट इन वन, यानी कि तीन को किस में रखेंगे, एक में रखेंगे, ठीक है। तो इसमें रखेंगे तो चेक कर लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू फोर्टीन, और x का वैल्यू कितना था हमारा, x का वैल्यू है आपका फोर प्लस वाई इक्वल टू फोर्टीन। तो क्या आ जाएगा, फोर प्लस टू वाई इक्वल टू फोर्टीन, ठीक है, टू वाई इक्वल टू क्या होगा, फोर्टीन माइनस क्या हो जाएगा, फोर, यानी कि 2y इक्वल टू कितना हो गया, 10। अब 2 का टेबल में कितना बार में कटेगा, ये 5 बार में कट जाएगा। इसका मतलब y का वैल्यू कितना मिल गया हमको, 5। जब y का वैल्यू 5 मिला है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 में रख देंगे। देखिए x इक्वल टू कितना है, 4 प्लस y, यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया आपका, 4 प्लस y का वैल्यू कितना था हमारा, y का वैल्यू था 5। तो 5 इक्वल टू कितना हो गया, 9। x बराबर क्या हो गया हमारा, 9। अब y का वैल्यू कितना हमारा, y का वैल्यू हो गया हमारा 5। इसका मतलब हमको क्या मिल गया, दोनों वैल्यू मिल गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी कि प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार बढ़िया से आप देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा सिंपल नहीं है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसका नाम मान लीजिए वन है, ये आपका टू है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम वन यानी कि समीकरण एक से क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिए, उसको s माइनस टी इक्वल टू थ्री है, तो s इक्वल क्या हो जाएगा, थ्री प्लस टी हो जाएगा। आपको पता है इसका नाम हम लोग क्या देंगे, थ्री देंगे, ठीक है। थ्री दिए हैं तो किसमें रखेंगे, ऑब्वियसली टू में रखेंगे, क्योंकि निकाले कहाँ से थे हम लोग, वन से, ठीक है। तो थ्री पुट इन कहाँ पे, टू, यानी कि तीन को किसमें रखेंगे, दो में रखने पर, ठीक है। थोड़ा सा ये लेंथी टाइप का लगेगा, बट ये बन जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा तो समझ में भी आ जाएगा। तो s का वैल्यू हम क्या करेंगे, इस पे रख देंगे, तो s बाई थ्री था प्लस t बाई टू है इक्वल टू सिक्स। इसमें क्या करेंगे कि जो s का वैल्यू है यहाँ पे हम लोग चुपचाप पुट कर देंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि है, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग। तो s का जगह क्या करेंगे, यहाँ s का वैल्यू थ्री प्लस t बाई थ्री प्लस t बाई टू इक्वल टू सिक्स। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हमारा थ्री टू क्या हो जाएगा आपका, सिक्स हो जाएगा। अब टू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टू थ्री प्लस टी प्लस थ्री से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री इंटू टी यानी कि थ्री टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सिक्स। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, इसको थ्री टू या सिक्स प्लस टू टी, ठीक है, प्लस ऑलरेडी यहाँ थ्री टी है, बाई सिक्स इक्वल टू सिक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, सिक्स प्लस फाइव टी इक्वल टू थर्टी सिक्स, क्योंकि ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, इक्वल टू थर्टी सिक्स माइनस सिक्स, यानी कि यहाँ क्या आ गया, थर्टी फाइव टी, फाइव से कितना बार में, छह बार में, यानी कि टी का वैल्यू कितना निकल गया आपका, सिक्स, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला वैल्यू जो है टी के बाद हम लोग एस कैसे निकालेंगे। अब हम लोग निकालेंगे क्योंकि टी का वैल्यू तो सिक्स निकल गया, तो एस का वैल्यू कैसे मिलेगा हम लोग को, तो फ्रॉम थ्री है ना, फ्रॉम थ्री, यानी कि थ्री से आपको क्या मिलेगा, एस का वैल्यू। तो एस इक्वल क्या है, एस इक्वल हो गया थ्री प्लस टी, यानी कि एस बराबर थ्री, टी का वैल्यू कितना था आपका,
सिक्स था, तो यहाँ क्या करेंगे सिक्स लिख देंगे, एस बराबर क्या हो गया नाइन, और टी बराबर हमारा क्या आया था पहले सिक्स आया था, तो इसका मतलब हमारा एस और टी का वैल्यू निकल गया। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ये सेकंड क्वेश्चन को भी हम लोग आराम से सॉल्व कर लिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, किस तरह से सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो का जो क्वेश्चन था दोनों आपको अच्छा समझ में आया होगा, और आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे बनाया जाता है उसको बनाने का मेथड आपको आसानी से समझ में आया होगा। इसको जरूर कमेंट में बताएं, जो प्रॉब्लम है जरूर आप हमसे शेयर करें कमेंट में, और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं आप उसको बना करके लाइएगा, ठीक है। हमें कमेंट में जरूर बताइए रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो और रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई इक्वल टू जीरो, इसका वैल्यू आपका क्या आ रहा है जरूर कमेंट में बताइए, और आप खुद से बना के चेक करिए आपका एक्स वैल्यू और वाई का वैल्यू आपसे निकलता है कि नहीं है निकलता, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।